और वो जातियां बनाने का कारण ही था कि समाज को बांटा जाए, समाज इकट्ठा ना हो पाए। इसलिए उन्होंने ये जिन्होंने भी ये जातियां बनाई उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि एक जाति को दूसरी जात से बड़ा बना दिया, दूसरी जात को छोटा बना दिया। व्यवस्थाएं हैं, दो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। एक तो ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था है, भेदभाव पर आधारित व्यवस्था है, और दूसरी समता और स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित व्यवस्था है। उसी अनुसार जो ऊंच नीच वाली व्यवस्था को फॉलो करते हैं वो एक समाज है, उसको हम फॉरवर्ड समाज बोलते हैं, और जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित समाज बनाना चाहता है वो समाज बैकवर्ड समाज है। और फॉरवर्ड समाज की जो आबादी है आज की डेट में वो करीब 15% आबादी है, और जो बैकवर्ड समाज की आबादी है वो करीब 85% की आबादी है उनकी। अब ये बैकवर्ड समाज बैकवर्ड कैसे हुआ और ये फॉरवर्ड समाज फॉरवर्ड कैसे हुआ, इसके लिए हमें इतिहास का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। और जिस तरह हम मुर्दे का पोस्टमार्टम करते हैं और पोस्टमार्टम करके हम उसका विश्लेषण करते हैं, हम पता लगाते हैं कि ये किस बीमारी से मरा है, तो उस बीमारी से अगला व्यक्ति या समाज का कोई और व्यक्ति न मरे उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, उसकी दवा खोजते हैं। उसी तहत जो ऊंच नीच वाली व्यवस्था थी उस व्यवस्था को बनाने वाले लोगों ने षड्यंत्र के साथ हमारे देश में ये ऊंच नीच वाली व्यवस्था लगाई, बनाई, लागू की। उसको उस व्यवस्था को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में संविधान लिखकर उस व्यवस्था को लिखित रूप में तो समाप्त कर दिया, लेकिन समाज में जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा था कि समाज में अभी भी ऊंच नीच वाली व्यवस्था कायम है और ऊंच नीच वाली व्यवस्था लागू है। उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए जो है बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम जी ने काम किया। आप लोगों को पता है जिस समय हमारे देश में अंग्रेज आए थे उस समय अंग्रेजों के बारे में बताया गया, हम लोगों को बताया गया कि कूट डालो राज करो अंग्रेजों की नीति थी, लेकिन आप लोगों को पता है कि जब अंग्रेज इस देश में आए उस समय 6743 जातियों में समाज बटा हुआ था। हम कहते हैं समाज की बात तो वो जातियों में समाज बटा हुआ था, हमारा समाज एक था ही नहीं। अगर हम राजनीतिक तौर पर भी बात करें तो हमारा देश उसमें 500-550 रियासतों में बटा हुआ था, तब भी हमारा समाज एक नहीं था। अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तब भी 4 वर्णों में हमारा समाज बटा हुआ था। तो हमें ये झूठ बोला गया कि फूट डालो राज करो अंग्रेजों की नीति, ये फूट डालो राज करो जो आज का फॉरवर्ड समाज है, जो मनवादी व्यवस्था को लागू रखना चाहता है, उस समाज ने ये झूठ हमें फैलाया। और उसी तरह का एक षड्यंत्र के तहत कहा गया कि राजनीति गंदी चीज़ होती है, ये हमारे बहुजनों के दिमाग में डाला गया कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, उसमें नहीं जाना चाहिए। इस तरह बहुजनों को इस देश की सत्ता से दूर रखा गया और ये प्रयास करते रहे। उस प्रयास को बाबा साहब ने कहा था, द पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाई विच यू कैन ओपन ऑल द डोर्स ऑफ योर प्रोग्रेस। उस बात को मान्यवर साहब कांशीराम जी ने समझा और उसी बात को समझकर एक आंदोलन चलाया और कसम खाई कि मैं इस बहुजन समाज को हुक्मरान बना के जो है छोड़ूंगा। और उसमें वो सबसे जो बड़ी दिक्कत थी कि जो बहुजन समाज जातियों में बटा हुआ था उन्होंने उसका तोड़ निकाला कि जो जातियों में 6743 जातियों में जो समाज बटा हुआ है उसको पहले इकट्ठा करके बहुजन समाज में बदला जाए।
हालांकि उससे पहले बाबा साहब ने इस समाज को जो जातियों में बटा था उसे कैटेगरी में बदल चुके थे, जैसे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो कैटेगरी में बदल के उन्होंने काफ़ी जातियों को एक शेड्यूल में डाल दिया था, जिससे कि ये जो डिस्टेंस थी समाज की वो काफ़ी हद तक कम हुई। लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उससे आगे बढ़ के बहुजन समाज यानी एक समाज बनाया, जो 85% लोग थे, जो 85% समाज था उसको एक बहुजन समाज के नीचे लाए और उस बहुजन समाज को सत्ता का स्वाद चखाया। आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज ने अपनी सरकार बनाई और सरकार बना के आप लोगों को पता है कि अपना जो है ना, उन्होंने जो इनका हक नहीं मिल रहा था बहुजन समाज का, वो हक उन्होंने दिलाने के लिए काम किया और वही हम लोगों को भी उनके सिद्धांत पर चलते हुए बहुजन समाज बनाने के लिए काम करना होगा। और वो काम हमें और थोड़ा सा आगे हिस्ट्री में देखना पड़ेगा कि हम लोगों को आपस में जातियों में क्यों बांटा गया था, इस बात पर हमें ज़रूर चर्चा करनी पड़ेगी। और जब हम चर्चा करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम लोग जो है ना एक दूसरे से जो है ना भेद, वो जातियाँ बनाने का कारण ही था कि समाज को बांटा जाए, समाज इकट्ठा ना हो पाए। इसलिए उन्होंने ये जिन्होंने भी ये जातियाँ बनाई उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि एक जाति को दूसरी जाति से बड़ा बना दिया, दूसरी जाति को छोटा बना दिया। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।